हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हम लोग तीन नई ऑफ कैंपस हायरिंग जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए होने वाली है। बीइंग अ फ्रेशर हो, पास आउट हो चुके हो, फाइनल ईयर में हो, और बता दो फिर अगर आप लोग भी प्री फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो भी आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आपको मेरे चैनल पर जो है रेगुलर बेसिस पर लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के वीडियोज मिलते रहते हैं और सभी कंपनीज के लिंक काफी जल्दी क्लोज हो जाती है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करना। अभी भी बहुत सारी कंपनी अभी भी हायरिंग को ओपन कर रखी है, चेकआउट करें, मैं चैनल पर विजिट करें। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कोडिंग नॉन कोडिंग जो प्रोफाइल को लेकर। क्वालिफिकेशन आप किसी भी ग्रेजुएट से हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और माइंड प्री टाटा एलेक्सी विप्रो, विप्रो जो यहाँ पर हायरिंग कर रही है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए और टाटा एलेक्सी डिजाइन इंजीनियर के लिए और माइंड सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है फिर यहाँ पर। तो वीडियो को जो आप लोग इंटर जरूर देखना। चलिए वीडियो में बाकी बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वो आपका फ्रेंड आपका विप्रो। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कर रही है विप्रो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग को भी अगर इंटरेस्ट है फिर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना। बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स क्या मांगा गया है, उसके हिसाब से अपने रेज्यूमे को चेंजेस कर देना थोड़ा बहुत, तो कि आपका एप्लीकेशन जो है शॉर्टलिस्ट हो पाए। तो एक बार जरूर पढ़ लेना थोड़ा बहुत, जो भी टेक्निकल पार्ट है, प्रोजेक्ट लीड हो गया वगैरह, इसमें क्या क्या काम होते हैं, ये कंपनी ने मेंशन कर रखा है एलवन वगैरह वगैरह, देख लेना अपने हिसाब से। और रेज्यूमे में आप लोग अपडेट जरूर करना है, ठीक है। घंटे पहले जो पब्लिश की गई है, काफी जल्दी रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाएगी। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना और आपको सेम ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना जिस ईमेल एड्रेस से आप लोग विप्रो LTH के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अप्लाई जरूर करना। सेकेंड बात करते हैं, हम टाटा एलेक्सी आप लोग के लिए हायरिंग कर रही है डिजाइन इंजीनियर के लिए, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो टाटा एलेक्सी में, तो आप लोग इस कंपनी के लिए जरूर अप्लाई करना। बी बीटेक एमसीएमई एमटेक के लोग एलिजिबल है, लोकेशन बैंगलोर होने वाला है। बाकी आप लोग यहाँ पर देखना अपने डिजाइन के ऊपर में आपके जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट है वहाँ से मेंशन किया गया है, तो उसे आप लोग जरूर एड कर देना अप्लाई करने से पहले, ठीक है। काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है, इनका ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो, ये भी आपका ऑफिशियल साइट है, ये भी ऑफिशियल है। अब थर्ड बात करते हैं फिर जो कि है आपकी माइंडट्री। जैसे फिर आपको मैंने कहा बताया था कि LTI माइंडट्री दोनों मर्ज हो चुकी है, तो यहाँ पर LTI का रिक्वायरमेंट सेम एज माइंडट्री का रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो रिक्वायरमेंट है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, काफी जो रिक्वायरमेंट लोकेशन पुणे का होने वाला है। यहाँ पर आपका कोडिंग इन जावा, यहाँ पर आपको बस जावा का नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इसमें आप लोग को जो है कोडिंग स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। और ये आपका टेस्ट इंजीनियर टेस्टिंग के अंदर में आता है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हो। फिर आपको सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना होगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर आपको 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। और इससे पहले मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी कंपनी के वीडियो बनाए हैं, अमेजोन, कैपजेमिनी इंजीनियरिंग का बहुत सारी कंपनी मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। मल्टी थ्रू।